तो आज का मुद्दा में बात होगी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, किस तरह से विपक्ष लगातार मोदी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा था, लेकिन एक के बाद एक कई एजेंसीज अब मोदी सरकार की नीतियों पर मोहर लगाती जा रही हैं। तो क्या आने वाले 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से किया गया वादा 6 दिन का पूरा होगा, और 2019 के लिए वही क्या बीजेपी के लिए चुनावी मंत्र भी साबित होगा? बिल्कुल, और ये हम बात क्यों कर रहे हैं, दरअसल में यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि साल 2018 में भारत की विकास दर 7.2% और 2019 में 7.4% रह सकती है। तो बुनियादी सवाल ये कि क्या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। न नोटबंदी रोक सकी, न जीएसटी डगमगा सका। पहले मूडीज ने 13 साल बाद दी गुड न्यूज, और अब यूएन भी दिखा रहा है अच्छे दिन। तो क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है? मोदी सरकार उम्मीदों से भरी है और उसकी उम्मीदों को और परवान चढ़ाया है यूएन की ताजा रिपोर्ट ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स के नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में भारत की ग्रोथ रेट 7.2% और 2019 में 7.4% रह सकती है। ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी के लिए निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट को बड़ी वजह बताया जा रहा है। यूएन ने भी माना है कि नोटबंदी की वजह से 2017 की शुरुआत में विकास दर बेशक नीचे आई थी, लेकिन अब भारत की वित्तीय घाटा स्थिति में सुधार दिखने लगा है और ऐसा लगता है कि 2018 में ये जीडीपी के 3.2% पर आ जाएगा। जाहिर है यूएन की रिपोर्ट सरकार के लिए राहत भरी है। पूरे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम हमारे सरकार की तरफ से उठाया गया है, उसका असर है कि आज इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी और मोदी सरकार के लिए रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे दिन जरूर दिख रहे हैं, लेकिन नेताओं के पास सवालों की कमी नहीं। प्रशंसा करते हैं तो आप कहते हो कि कि बहुत वाह वाह वाह, और जिस दिन वो निंदा करते हैं तो कहते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये जो विदेशियों की प्रशंसा के लिए जो भूख लगी है अखबार वालों में और हमारे सरकार में जो लोग हैं और हमारी राजनीति में जो लोग हैं, इससे कुछ अब बाहर निकलना चाहिए। हम जो करेंगे, हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहेगी तो हम मानेंगे। जीडीपी ग्रोथ 10 ले जाने का और 12 ले जाने का सपना था मोदी सरकार का, निर्धारित कर रहे हो 7.4 का। ये गिरावट कहानी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। सियासत की राड तो चलती रहेगी, लेकिन ये भी उतना ही वाजिब है कि तरक्की आंकड़ों में नहीं, जमीन पर होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएंगे तो देश उसे महसूस किए बगैर नहीं रहेगा। टीम न्यूज नेशन। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल हैं और हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी भी जुड़ चुके हैं। तो कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जेएनयू एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी नेता हैं। गोपाल जी, सुकून मिला होगा यूएन की इस रिपोर्ट में ठप्पा लग गया कि आपकी नीतियां सही हैं, चुनावी माहौल में यकीनन फायदा आपका। नहीं, देखिए, सुकून तो कांग्रेस के लोगों को आना चाहिए। हम लोग तो पहले से ही जो काम कर रहे थे, मोदी सरकार के जितने भी स्टेप्स थे, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, उन सब का एक लक्ष्य था कि देश में अर्थव्यवस्था को में जो ठहराव आ गया था और जो करप्शन के कारण जो पूरा सिस्टम में एक अजीब सी स्थिति आ गई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, चाहे आर्थिक जो रुकावटें को लेके और परमिशंस को लेके ठहराव आ गया था, चाहे प्रोजेक्ट को बंदी में या बैंकों की हालत खराब हो गई थी, उन सब को ठीक करके हम तेजी से आगे बढ़ने वाले थे और उसी का ये एंडोर्समेंट है। कोई हम ये नहीं कह रहे कि यूनाइटेड नेशन के मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद खान साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पहले एक रिपोर्ट प्यू की आती है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात होती है, फिर मूडीज कहता है, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसके बाद जीडीपी में इजाफा, और अब यूएन की रिपोर्ट जो कह रही है कि आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ अच्छा अच्छा, फिर सवाल पूछने की जरूरत क्या है राहुल गांधी को जब पूरी दुनिया मान रही है? जी जी अनुराग भाई, एक कहावत होती है कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। जिन पे डीमोनेटाइजेशन जैसी बुरी नीतियों के अंजाम बीते, उनसे ही पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। ये विदेशी एजेंसियां कोई अहमियत नहीं रखती। ये तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों ने बता दिया। रिपोर्ट आई थी तब तो आप बड़ा कह रहे थे कि देखिए नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है वो रिपोर्ट्स।
आप जो पॉजिटिव रिपोर्ट से उन्हें आप मानेंगे नहीं, नेगेटिव को आप मानेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नहीं मैम मैं मानता हूँ सिर्फ एक चीज, मैं मानता हूँ उस डेटा को जो आरबीआई से आता है और उसका पूरा श्रेय आरबीआई को देता हूँ। जब आरबीआई कहती है कि नौकरियां 12 साल लो पे है तो फिर तो मानना पड़ेगा उस बात को। जब दूसरी बात ये है आरबीआई कहती है कि जीडीपी गिर रही है तो उस बात को मैं मानता हूँ। अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि ये विदेशी रिपोर्ट आई तो मैं आपको ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा। बेचारा फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आंकड़े जा किस तरफ रहे हैं। और इसी को सरल बनाने के लिए हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार मनोज गरोला जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक आम आदमी इसमें क्या करे, क्योंकि कांग्रेस अपने हिसाब से आंकड़े पेश करती है, बीजेपी अपने हिसाब से आंकड़े पेश करती है, लेकिन क्या वाकई में अच्छे दिन अब कुछ करीब आते दिख रहे हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि बेसिकली अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में चाहे कोई भी बैंक हो, नोमुरा बैंक हो, मॉर्गन स्टेनली हो या फिर मोदी हो, तो सब ने यही कहा है कि हमारी इकोनॉमी के जो भी को हमारी इकोनॉमी जितना नीचे जा सकती थी वो चली गई, अब इसके बाद वो ऊपर ही जाएगी। और उसका एक और हम कह सकते हैं कि इन्होंने सब ने मोदी सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दी। मोदी सरकार ने जो भी डिसीज़न लिए थे, चाहे वो GST का हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी कोड का हो, ये डिसीज़न बहुत ज़रूरी थे किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद को रखने के लिए। और ये डिसीज़न और इन डिसीजंस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था जी, क्योंकि 120 करोड़ लोगों के देश में अगर आप GST जैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं और उसका एक शॉर्ट टर्म में अर्थव्यवस्था पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, इसी तरीके से नोटबंदी का भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में था, लेकिन अब ये बात ठीक हो चुकी, ये बात अब साबित हो चुकी है कि लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन गोपाल अग्रवाल जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा है तो GST में रिटर्न फाइल करने वालों को क्यों अब तक समस्या हो रही है, खासकर GSTN में? सुब्रमण्यम स्वामी आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तेल के दाम लगातार बढ़ने कम होने के बजाय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां वाकई बेहतर हैं क्या, और खुदरा महंगाई के आंकड़े आए जो बढ़ रहे हैं? नहीं देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो बदलते रहेंगे हर क्वार्टर में। अगर इससे पहले क्वार्टर के देखेंगे तो GDP की फिगर्स अच्छी नहीं थी, या जो GDP की डायरेक्शन है ग्रोथ की उसके ऊपर ये कमेंट्स हैं। और हम भी कह रहे हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है सही दिशा में चल रही है, उसमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इन्फ्लेशन कभी बढ़ सकता है, कंट्रोल करा है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम है, हम तो कह नहीं रहे कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक जो परसेप्शन है, देखिए एक मिनट, जो परसेप्शन है जनता का या विश्व का वो भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति पॉजिटिव है, तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और मोहम्मद खान साहब, बहुत प्रमुख कारण है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में जो एक बड़ा अंतर है वो अंतर ये भी है कि इस वक्त लाखों करोड़ रुपए के घोटाले नहीं है, कैग रिपोर्ट की फटकार नहीं है, अदालत की फटकार नहीं है, फैसले लिए जा रहे हैं, सुधार किए जा रहे हैं? मोदी सरकार कह रही है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 7000 सुधार से जुड़े फैसले लिए गए हैं, पिछली सरकार और मौजूदा सरकार में क्या ये अंतर है जिसके चलते पूरी दुनिया स्वीकार रही है कि सब कुछ अच्छा है? नहीं, मौजूदा सरकार और पिछली सरकार में ये अंतर है कि मौजूदा सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को इतना कमजोर कर दिया है कि कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। रफेल का जो डील हुई थी उसके आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। सर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बात करते देना पड़े, ये स्कैंडल नहीं है, एक बड़े उद्योगपति को उठा के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नहीं नहीं, ये अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुराग भाई, आप भी जानते हैं मेरी बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये बड़े बड़े आपने घोटालों की बात की, इनके दौरान पिछले 3 साल में इतने घोटाले सामने आए हैं, अब ये लोग उसकी तहकीकात नहीं कराते तो इसमें इनकी कमी है या हमारी? लेकिन मनोज गिरवाला, पेट्रोल महंगा दिखता है, मैं बाजार सब्जी लेने जाती हूँ, सब्जी महंगी दिखती है, नौकरियां जो है नई जिस हिसाब से वादा किया था उस हिसाब से बढ़ती हुई नजर नहीं आती है, फिर भी विदेशी एजेंसी एक के बाद एक पॉजिटिविटी दिखाती है, तो ये जमीन पर पॉजिटिविटी कब दिखेगी? देखिए देखिए ऐसा है कि जो भी एजेंसीज हैं उन्होंने ये बोला है कि अगले साल में हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, अब वो डायरेक्शन ठीक हो गया है, तो इसलिए जो जमीनी स्तर पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट इसका 1 साल 6 महीने से 1 साल के बीच में पड़ना शुरू होगा।
क्योंकि आप देखिए जो यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक जो बहुत जो बड़ा पॉजिटिव स्टेप जो सरकार ने लिया वो ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है जी। फॉर एग्जांपल सरकार ने कहा कि भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट में अगले 5 साल में 7 लाख करोड़ का खर्चा होगा जी। तो जब 7 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम। मनोज जी माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब जुड़ चुके हैं आर्थिक मामलों के जानकार। प्रोफेसर अरुण जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे यूएन की ताजा रिपोर्ट जो कह रही है कि अगले साल आर्थिक मोर्चे पर भारत और बेहतर करेगा, इसका क्या कुछ मतलब होता है कि अगर हम 7.2% की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं सरल शब्दों में। देखिए ऐसा है कि अगर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती है तो सब तरह से फ़ायदा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय रेट ऑफ ग्रोथ 1% से ज़्यादा नहीं है, और इस समय 7% की बात करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं सबसे बड़ा धक्का पिछले एक साल में उनको लगा है। और जो सरकार के जो इस समय नीतियाँ हैं वहाँ पे असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत कम चीजें हैं। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार अगर हम 5.7 से 6.3 आ सकते हैं क्वार्टर में, तो एक वित्तीय वर्ष में हम 6.3 से बढ़कर 7.2 क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए क्योंकि देखिए जो ये 5.7 और 6.3 की बात है उसमें असंगठित क्षेत्र कहीं भी नहीं है जी। तो मेरा मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सिर्फ 1% की रफ्तार से चल रही है। हाँ? जी जी कहें। चलिए गोपाल जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। गोपाल जी ये बताइए कि एक सवाल भारत नोटबंदी पर 3-4 साल का ग्रोथ नोटबंदी पर जनता ने आपको मोहर लगा दी कि आपने सही कदम किया, उसका नतीजा दिख गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन जीएसटी को लेकर जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उसको समझने में जो परेशानियां पेश आ रही हैं, उसको लेकर व्यापारी वर्ग की नाराजगी कंफ्यूजन बरकरार है, वक्त वक्त पर वो सामने भी आता है, तो वो एक दिक्कत आपके लिए हो सकती है। नहीं देखिए जीएसटी नेटवर्क की समस्या है, कॉन्सेप्चुअली जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापारियों से हम बहुत मिले। तो जीएसटी नेटवर्क को 31 दिसंबर तक उन्होंने कहा है सरकार ने कि उस कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, इतना बड़ा माइग्रेशन होता है तो कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज होते हैं, वो 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे। इसी समस्या थी कि 28% शुरुआत में एक स्लोडाउन हर जगह हर इकोनॉमी में देखा गया था, कैसा हिंदुस्तान में भी हम देखेंगे? नहीं हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा था कि इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी पूरे संसार में किसी भी देश में इस लार्ज स्केल में नहीं होगी। कई सारे लोग थे जिन्हों की, कई सारे व्यापारी हैं जिन्हें की कायदे से टैक्स देना चाहिए, वो सारे इससे इस वाली इकोनॉमी से बाहर थे। तो ये लोग जो पहली बारी टैक्स दे रहे हैं वो लोग जब इस इकोनॉमी के फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आएंगे तो नेचुरली समस्याएं होंगी। दूसरी बड़ी समस्या ये, दूसरी बात ये है कि हमारा देश बहुत ही बड़ा देश है, 120 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, और जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत ये माइग्रेशन इस लेवल पे संसार में पहले कभी नहीं हुआ जी। मोहम्मद खान साहब एक सवाल बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, अगर दुनिया मान रही है कि भारत बेहतर कर रहा है तो ये विरोध के लिए विरोध क्यों? आप स्वागत कीजिए, ये तो देश की तरक्की है जी। देखिए नहीं मैं आपको तथ्य पर आधारित बात बताता हूँ। देखिए अगर इकॉनमी बढ़ती है, अगर देश की आर्थिक स्थिति संभलती है, सबका फायदा होता है, हम तो यही चाहते हैं, यही तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम यही तो कहते हैं कि जो तुम जो फैसले उठा रहे हो वो जनता के हित में हो, जनता के पक्ष में हो। अब आप एक बात बताइए, दुनिया भर की इकॉनमी में इजाफा हो रहा है, अमरीका इस वक्त 3% यानी अनप्रीसीडेंटेड लेवल ऑफ ग्रोथ पे चल रही है, और भारत की इकॉनमी हम जो है चंद पॉइंट बिंदु आगे बढ़ती है, हम लोग इतना ढंडोरा पीटने लगते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात सच होती तो क्या आरबीआई ये रिपोर्ट निकालता कि 12 साल में सबसे कम नौकरियां आज की 12 साल में 10 साल तो आपके इस क्या जॉबलेस ग्रोथ का आरोप आपने नहीं झेला मोहम्मद खान साहब? जॉबलेस ग्रोथ का आरोप तो आपने भी झेला है साहब। नहीं मैं आपको एक और बात बताऊं, इनसे पूछिए प्राइवेट कंजम्पशन जो था, जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था वो किसके जमाने में ज्यादा था? कांग्रेस के जमाने में, जो आप कांग्रेस को इतना बुरा भला कहते हैं, सबसे ज्यादा जी बहुत संक्षेप में दर्शक के लिए इस आंकड़े का क्या मतलब होगा आने वाले? तो प्राइवेट से कुछ उम्मीद बढ़ती है। हाँ जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भी हमारी जीडीपी ग्रो करेगी तो लोगों को काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, जो लोग नौकरी में हैं जी उनके उनके जो हैं इंक्रीमेंट्स होंगे ज़्यादा,
और जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स को के पक्को तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी फायदे की चीज है, पिनाज जी के लिए भी फायदे की चीज है कि विकास दर में इजाफा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है और एक आम आदमी के लिए बहुत। सर ये कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो अभी कुछ दिक्कतें जरूर नजर आ रही है लेकिन एक के बाद एक तमाम एक्सपर्ट तमाम विदेशी एजेंसियां जिस तरह से मोहर लगा रही है कि दिशा जो है वो सही मिल गई है, फैसले जो थे वो सही नीयत से लिए गए थे और आने वाले दिनों में शायद अच्छे दिन आ ही जाए।